इस वीडियो में हम पावर क्वेरी के एम कोड के बारे में कुछ जानेंगे। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस में वर्क किया, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स की जो एक्सेल फाइल्स हैं, CSV, PDF, डेटाबेसेस हमने कनेक्ट किए, ठीक है। आज हम वर्क करेंगे एम कोड पर। एक्चुअली एम कोड क्या होता है, इस बारे में हम थोड़ा थोड़ी बात करेंगे और फिर हम सीखेंगे कि ये कैसे लैंग्वेज ये कैसे वर्क करती है। क्योंकि देखिए, तो सबसे पहले हम पावर क्वेरी एडिटर खोल लेते हैं, ठीक है। मैं पावर क्वेरी में जाता हूँ और क्लिक करता हूँ लॉन्च एडिटर। अलग अलग एक्सेल वर्जन में ये अलग अलग नेम से अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये हमारा पावर क्वेरी का विंडो है। इसमें आपको मालूम ही है कि हमने कुछ टूल्स अप्लाई किए थे, तो हम इसमें एक कोई भी एक डमी फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं, फोल्डर। कि इन बातों पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इन्हें कंबाइन कर लेता हूँ। ठीक है, Seed 1, Seed 2 है, Seed 3 पर डेटा नहीं है, तो Seed 1 पर हमने क्लिक किया और क्लिक किया ओके पर। देखिए, जैसे हमने पहले बात की थी कि हम जितने भी हम इसमें स्टेप्स लगाते जाते हैं पावर क्वेरी में, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो डेटा किस डेटा सोर्स से आ रहा है, वो एक हमारे स्टेप्स बनते के जाते हैं। अब देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ये स्टेप्स बन रहे हैं ना, सोर्स, इनके यहाँ पर नेम भी डिस्प्ले हो रहे हैं। अब एम कोड क्या होता है? एम कोड जो है एक लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज पर हम पावर क्वेरी के कोड लिखते हैं। बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। हम इस लैंग्वेज के बिना भी हम पावर क्वेरी में वर्क कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें एडवांस जाना है तो उसके लिए हमें ये लैंग्वेज आनी चाहिए। जितनी हम एडवांस टेक्नोलॉजी सीखते जाते हैं, उतना ही हमारे लिए काम जो है करना जो है हमारे लिए आसान होता जाता है, ठीक है। तो पहले हम एम कोड के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको स्टेप्स तो बता दिए हैं, जैसे भी ये कुछ स्टेप्स हैं। अगर मैं इन पर कुछ स्टेप्स और अप्लाई करता हूँ, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो देखेंगे आप एक रिमूव कॉलम का यहाँ पर एक स्टेप ऐड हो गया है, ठीक है। जैसे ये इसका डेटा फॉर्मेट गलत है, मैं इसको डेट कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर डेट आ गई है और एक और हेडर यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब ये सारे हेडर्स अगर मैं एक एक करके क्लिक करूँ उन पर, तो जिस पर मैंने क्लिक किया है उससे ऊपर के जितने भी स्टेप्स हैं वो अप्लाइड यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि मैं सोर्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर सीधा ये सोर्स से कनेक्टेड है। इसका फंक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये फंक्शन, देखिए फोल्डर डॉट फाइल्स और एक पाथ दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका ये डेटा यहाँ पर टेबल आ गई। अब सेकेंड स्टेप्स, अब फर्स्ट स्टेप्स में, यानी कि देखिए यहाँ पर सोर्स आ रहा है, फर्स्ट स्टेप्स में हमने कुछ चेंजेस किए तो यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। इस तरीके से हर स्टेप्स में एक नया फंक्शन जो है अप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। तो ये कोड को हम कहाँ देख सकते हैं? इसके लिए हम जाते हैं एडवांस एडिटर में। एडवांस एडिटर में इसका पूरा फंक्शन कोड हमें मिल जाएगा, एम कोड, इस फॉर्मूले का एम कोड मिल जाएगा। क्लिक करते हैं इस पर, देखिए ये खुल गया हमारी विंडो एडवांस एडिटर और आपके सामने ये है कोड। ये कोड हमारा एम कोड है। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे है। अभी देखने से मुझे पता है कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इसके अंदर, थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्लियर होगा। इसके हमारे दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारा लेट पार्ट, देखिए इस लेट पार्ट, और सेकंड इन पार्ट। अब इन पार्ट को हम थोड़ा एंटर करते हैं, इसे नीचे कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा खुला खुला करते हैं, देखते हैं इसमें हर स्टेप लाइन में क्या क्या है। लेट के बाद पहला जो है हमारा एक नेम है सोर्स। अब आप देख सकते हैं कि यही सोर्स का नेम जो है हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा
साइड में कर देता हूँ। देखिए इस सोर्स का नेम को इस नेम को गौर कीजिए, ये सोर्स और ये सोर्स। अब सेकंड स्टेप देखिए, अब देख पा रहे होंगे सेकंड स्टेप जो है उसका जो नेम है वो सेकंड स्टेप के नेम से इक्वल है, यानी कि अब देखिए हर फॉर्मूले में एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो हमने अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसका नेम है, या उसे एक वेरिएबल दिया हुआ है उसको हमने, उसका नेम है, और राइट हैंड साइड में उसको एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अभी इस बात को इग्नोर कीजिए कि फॉर्मूला क्या है, कैसे वर्क करेगा, पहले हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में आइए, समझने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप इनवोक कस्टमर फंक्शन वन, यहाँ पर देखिए इनवोक कस्टम फंक्शन वन, उसके नीचे है रीनेम कॉलम वन, इसके नीचे है रीनेम कॉलम वन, यानी कि एक एक स्टेप यहाँ चलता जा रहा है और यहाँ पर डिस्प्ले होता जा रहा है। यदि मैं किसी एक का नाम, जैसे मान लीजिए रीनेम कॉलम का नाम यहाँ मैं लिख दूँ कॉलम रीनेम, ठीक है, और मैं इसे करता हूँ ओके, मैं इसे करता हूँ डन, ठीक है। एक फंक्शन एक एरर आ गई है, मुझे पता है क्यों आई एरर, दोबारा से हम एडिटर में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने इसका फंक्शन का नेम चेंज किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ चेंज किया हमने नेम, देखिए यहाँ पर भी चेंज हो गया, यहाँ पर कॉलम रीनेम आ गया, लेकिन हमारा कोड में एरर आ गया, क्यों, क्योंकि जब अब इसके बाद जो स्टेप शुरू हुआ है ये स्टेप, इस स्टेप्स में जो इनपुट मांग रहा है ना, ये इनपुट है हमारा रीनेम कॉलम वन जो इसमें कहीं नहीं है, यानी हमें यही वाली वेरिएबल नेक्स्ट स्टेप के सोर्स में डालना है यहाँ पर, ओके एंड करना है डन। देखिए फंक्शन रेडी है और इसका नाम बदल गया कॉलम रीनेम, रिमूव अदर कॉलम्स, तो क्लियर हुआ, यानी कि हमारा जो वैल्यूज है वो राइट हैंड साइड से फिर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, यानी कि देखिए सबसे पहले सोर्स क्या है, सोर्स में एक फॉर्मूला लगा हुआ है जो हमारा है ये फॉर्मूला फोल्डर डॉट फाइल, फोल्डर डॉट फाइल जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, किसी हमने फोल्डर का पास दिया हुआ है उसके अंदर जो भी हमारी फाइल्स होंगी उन सभी फाइल्स को एक टेबल में बना करके दिखाएगा। अब देखिए हम इस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इस सोर्स के अंदर इसकी वैल्यू आ गई पूरी, है ना, इस इक्वल का साइन का मतलब क्या है, इक्वल का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने वैल्यू लिखी हुई है वेरिएबल लिखा हुआ है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी, यानी कि इस तरफ की वैल्यू इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ की वैल्यू इस तरफ मूव करेगी, क्लियर है। अब देखिए इसकी नहीं, ये पूरी वैल्यू सोर्स में गई, अब यहाँ पर हमने ये सोर्स लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम इसे कट करें वैल्यू को, अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को कट कर लें, हमने कट कर लिया और इस पूरी लाइन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब इस सोर्स की जगह हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं, ये देखिए, और हम करते हैं डन, ठीक है, यहाँ पर एरर आ गई। अब देखते हैं डिफरेंस क्या रहा, क्योंकि यहाँ पर हमारे आगे दो इक्वल टू साइन, ठीक है, तो हमने एक को हटा देते हैं और करते हैं डन। देखिए अब देखिए पहला हमारा सोर्स गायब हो गया, लेकिन तब भी वो सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है, सोर्स फॉर्मूला, लेकिन तब भी फॉर्मूला काम कर रहा है क्योंकि अब यहाँ पर जो इतने बड़े जो यहाँ पर, अगर हम इसको एक ही फॉर्मूले में मर्ज करना चाहें तो एक फॉर्मूले में मर्ज हो जाएगा, पूरा कोड हमारा एक फॉर्मूले में भी आ जाएगा, लेकिन फिर वो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसके ही इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें कोई समझ, ये हैज वैज लगे हुए हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम तो ये भी हम सीखेंगे, क्योंकि हम कोई भी नाम डिफाइन कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले हैज और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस वैल्यू को रख रहे हैं, उसमें कोई फंक्शन लग गया, अब वो अगली सेल के लिए सिर्फ नेम ही चला जाता है, पूरा फॉर्मूला उठने के बजाय वो सिर्फ नेम चला जाता है, राइट है, क्लियर, इतना समझ में आया आपको। हाँ तो अब इस तरीके से हमारा, जैसे क्या पहले ये फॉर्मूला हमारा इस टेबल में गया, फिर इस टेबल को हमने रॉ मटेरियल मान करके कुछ चेंजेस किए, फिर वो गया इसके अंदर नई वेरिएबल के अंदर,
इस नए वेरिएबल को नए फंक्शन में हमने इनपुट कराया और कुछ और चेंजेस करके उसको नए नेम में भेज दिया। एक तरीके से इनपुट आउटपुट चल रहा है, यानी सामान आया वो चेंजेस किए और आगे भेज दिए। जैसे मान लीजिए आटा आया हमारे पास, हमने उसमें पानी मिलाया, गूंदा और अगले स्टेप के लिए वो रेडी हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से अब ये पहुंचता हमारे लास्ट में, लास्ट में आ गए हम लास्ट वाला। अब जब हमें कोड डिस्प्ले करना है, अब देखो अभी तो चलता आ रहा है फॉर्मूला, लेकिन जो वैल्यू हमें यहाँ पर दिखानी है, लोड करनी है, तो वो हमारा होगा इन स्टेटमेंट के अंदर। यानी कि अगर हम इन लिख करके कोई भी वेरिएबल नेम लिखेंगे इसमें से, जरूरी नहीं लास्ट वाला, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी वेरिएबल नेम लिखते हैं तो वही वेरिएबल नेम डिस्प्ले कर जाएगा। लास्ट वाला वेरिएबल नेम इसलिए लिखा है क्योंकि हमें सारे चेंजेस करने हैं, ऊपर फर्स्ट टैप से लेकर लास्ट टैप तक हम लेकर आए हैं और लास्ट टैप वेरिएबल को हमने प्रिंट किया है, तो लास्ट वेरिएबल हमें वहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ तक का स्टेप इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर कर दूँ तो भी कोई कोड में एरर नहीं आएगी। ठीक है, देखिए अभी भी कोड में कोई एरर नहीं आई है, लेकिन अब जो चेंजेस किए सब वो गायब हो चुके हैं, लेकिन वो डिलीट नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे कोड सारे कोड अवेलेबल हैं। तो हमने ये जो हमने यहाँ पेस्ट किया है वो हमारा ये स्टेप है, तो यानी इतने ही स्टेप उसमें अप्लीकेबल हो रहे हैं, ये बाद के स्टेप उसमें अप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे वो वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही। तो जो भी लास्ट वेरिएबल है, यदि मैं लास्ट वेरिएबल को यहाँ पर रख दूँ और डन करूँ तो देखेंगे तो सारे स्टेप्स हमारे यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डीप सीखेंगे। थैंक यू।